हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल। अगर आप बीएससी आईटी के स्टूडेंट हैं और अपने लिए एक इफेक्टिव रिज्यूमे बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप एक पेज का इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। दोस्तों, रिज्यूमे के टॉप से शुरुआत करते हैं, जहां पर नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा हुआ है वहां पर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी। अगर आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखी है तो उसका लिंक आप यहां पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनली क्लिक फोटोग्राफ लगा सकते हैं। आइए फोकस करते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन प्रोग्रामिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड डेटा बेस सिस्टम्स। सीकिंग एन एंट्री लेवल आईटी पोजीशन वेयर आई कैन लेवरेज माई टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड पैशन फॉर टेक्नोलॉजी टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशंस। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत ही स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, जहाँ पर उसने बताने की कोशिश की है कि वो आईटी ग्रेजुएट है जिसकी सॉलिड फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट और डेटाबेस सिस्टम्स में। साथ में उसने ये भी मेंशन किया है कि वो एंट्री लेवल आईटी पोजीशन ढूंढ रहा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो अपनी टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और पैशन फॉर टेक्नोलॉजी को यूज कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशंस के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं आप अपने रिज्यूमे में एक और एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस करते हैं की स्किल्स पे। तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट ने अपनी की स्किल्स मेंशन की है। प्रोफिशिएंट इन C++, जावा, पाइथन एंड SQL, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, लैन वैन एंड TCP/IP प्रोटोकॉल्स, स्किल्ड इन ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशूज, फैमिलियर विद AWS क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, एबिलिटी टू मैनेज एंड मेंटेन डेटाबेसेस एंड सर्वर्स, experience in website development using HTML, CSS and JavaScript, strong analytical and problem solving abilities। ये देखिए, ये एक sample की skill का example है। आप चाहें तो इसमें कुछ add कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे कुछ remove भी कर सकते हैं। यहाँ पर important ये है कि अगर आप अपने resume में अपनी key skills को इस तरीके से लिखते हैं तो resume के top पर ही आप अपने skill set के बारे में recruiter या HR को बता रहे हैं, जो एक बेहद अच्छा तरीका है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में की स्किल्स को लिख के बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। की स्किल्स के बाद फोकस करते हैं एकेडमिक प्रोजेक्ट पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप की है वो भी लिख सकते हैं। एकेडमिक प्रोजेक्ट के अलावा आप वॉलंटियर प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक ऐसे प्रोजेक्ट का जो कि एकेडमिक प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइटल मेंशन किया गया है, डेवलपमेंट ऑफ अ वेब बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पर ईयर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर फिर देखिए, की वर्क मेंशन किया गया है। की वर्क में वो चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कैंडिडेट ने अपने प्रोजेक्ट के दौरान की थी, जैसे डिजाइन एंड डेवलप्ड अ यूजर फ्रेंडली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इंप्लीमेंटेड डेटाबेस इंटीग्रेशन टू ऑटोमेट इन्वेंट्री अपडेट्स एंड ट्रैकिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट presented findings on how the system improved operational efficiency and reduced manual errors। याद रखिए, जब कभी भी अपने प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में या इंटर्नशिप डिटेल के बारे में लिखें तो उसको थोड़ा इलैबोरेट करें। केवल ये लिखकर मत छोड़ें कि आपने अपना प्रोजेक्ट किया था या अपनी इंटर्नशिप की थी। अपने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में आपका की रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसको ज़रूर मैंशन करें, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। एकेडमिक प्रोजेक्ट के बाद नज़र डालते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेशन पे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सर्टिफिकेशन डिटेल मेंशन किया गया है, जिसमें मेंशन किया गया है कैंडिडेट ने कि सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था उसने। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर डैश का कॉलम है यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं जहाँ से आपने सर्टिफिकेशन किया था, और यहाँ पर फिर आप फाइनली आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्टिफिकेशन इन वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर अगेन आप इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सर्टिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, अगेन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेशन डिटेल में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इसे मेंशन करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें, जिसमें सबसे लेटेस्ट ईयर सबसे पहले आएगा। अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर कुछ और सर्टिफिकेशन भी हो सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी रिलेटेड हो सकते हैं।
आप चाहें तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप उसको एक नए हेड के अंडर में मेंशन करें जिसको आप नाम दें आईटी प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर हालांकि जो मैंने सर्टिफिकेशन मेंशन किए हैं वो स्पेसिफिकली बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, आप चाहें तो कोई फर्दर सर्टिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। सर्टिफिकेशन के बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है मेंबर ऑफ द कॉलेज कोडिंग क्लब, ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन्स एंड वर्कशॉप्स ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज अटेंडेड सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स ऑन द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन आईटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं वो स्पेसिफिकली आईटी से रिलेटेड हैं या डोमेन रिलेटेड ही हैं। इसके अलावा भी अगर आपका किसी क्विज़ में, किसी आईटी क्विज़ में या डिबेट में पार्टिसिपेशन है, स्पोर्टिंग अचीवमेंट है या किसी तरीके का और अचीवमेंट है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट ने बीएससी किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम में। के बाद में यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं और ईयर मेंशन कर सकते हैं। सेम लाइक इंटरमीडिएट, मतलब अपना ट्वेल्थ का डिटेल लिख सकते हैं। फ्रॉम, यहाँ पर आप अपने स्कूल का या बोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हाई स्कूल का भी डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं, स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं और ईयर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करनी है। अब कई कैंडिडेट का क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप देखकर वीडियो समझ सकते हैं कि क्या रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। फाइनली आप लिखेंगे डिक्लेरेशन, जिसका मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने रिज्यूमे में लिखी है वो पूरी तरीके से सही है और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और आप सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरीके से आप एक पेज का इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं इफ़ यू आर अ बीएससी आईटी ग्रेजुएट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक बीएससी आईटी ग्रेजुएट से ज़रूर शेयर करिएगा, उसको एक बेहतर रिज्यूमे फॉर्मेट बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।